देखो भाई, मैं था दिल्ली में और मेरे पुराने दोस्त और मेरी फैमिली अरुणाचल में। दिल्ली में गर्मी बढ़ गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने दोस्तों से मिलकर आया जाए। तो मैंने टिकट करवा ली, पैकिंग कर ली और फिर मुझे याद आता है कि मेरी 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम तो अभी हुई नहीं है और वो ऑफलाइन भी हो सकती है, और अगर ऑफलाइन होगी तो मुझे दिल्ली में रह के ही देना पड़ेगा और जल्द होने वाली है। तो मैंने कॉलेज में बात की, वहाँ से रिप्लाई ये आता है कि डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वैसे 90% चांस है ऑनलाइन होगी। तो एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं इस 90% को 100% मानकर वहाँ से निकल गया। Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof, auto your taste. It's really a bad reception out there, where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. अकेले सफ़र करना बहुत बोरिंग होता है, खासकर मेरे जैसे लोग जिन्हें अननोन लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। खैर, अब ट्रेन चलने वाली थी और मैंने सोचा क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। एंड दोस पीपल वॉच माई प्रीवियस ब्लॉग्स, दे नो आई लव टी। Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past. Chole chawal, rajma chawal, dal tadka, dal makhani, matar paneer chawal, kari pakora chawal, veg biryani. Veg biryani hai, dikho na tha. Seat number 15. मैं अब डिनर करके फुल मजे में सोने की प्लानिंग कर रहा था, तब तक व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आप सबकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी। तो कहते हैं ना, पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मेरी ट्रेन खिसक गई थी। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन कि मैं अरुणाचल जाऊँ, 1-2 दिन रहूँ और फिर वापस आ जाऊँ। दूसरा ऑप्शन, ट्रेन से कूद जाऊँ और दिल्ली वापस चले जाऊँ। बट रात हो रही थी, ऊपर से ट्रेन नदी के ऊपर चल रही थी, तो हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने सोचा यार हटाओ ये सब, सोते हैं। पर नींद आए तब ना, टेंशन इतनी थी। अब मैं ये सोचते हुए जा रहा था कि अगर फैमिली को पता चला कि मैं अरुणाचल आ रहा हूँ, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी फिर भी मैं अरुणाचल आ रहा हूँ, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। खैर, who cares? Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no sipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Finally, मैं गुवाहाटी पहुंच गया, बट मूड अभी भी ठीक नहीं हुआ। और कल सुबह मुझे अरुणाचल के लिए जल्दी गाड़ी पकड़नी थी, क्योंकि 11 बजे के बाद कोई गाड़ी नहीं थी। वेट, आपने कुछ नोटिस किया? नहीं, स्लोमो। हमारा देश कभी बदल नहीं सकता है। अब मैं 300 पहुंचने वाला था। जब मैं वहाँ उतरा तो मैंने देखा बहुत लंबी लाइन है।
फिर मैंने बात की तो पता चला वो लाइन कोविड टेस्ट के लिए 400 या 500 लोग थे, एक ही डॉक्टर था बस जो चेक कर रहा था, मैं सबसे लास्ट था और मैं करवाता तो मुझे कम से कम लग जाते 5-6 घंटे, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फिर मैंने वहाँ रेलवे पुलिस से बात की और उन्हें कहा कि मुझे अरुणाचल जाना है और गाड़ी नहीं मिलेगी और अरुणाचल बॉर्डर पर भी टेस्ट होगा। तो फिर मैंने वहाँ अरुणाचल के लिए निकल सही लाइन है कि नहीं तो फिर मैं वहाँ से अरुणाचल के लिए निकल गया नहीं तो फिर मैं वहाँ से बस स्टैंड के लिए निकल गया। अब इतना देर में गलत बोल रहा था क्या? फिर मैंने तिनसुकिया बस स्टैंड में टिकट ली और गाड़ी का वेट किया। कब से चाय बना रहे आप? कब से चाय बना रहे आप? ये मस्त रिप्लाई था। खैर अब मैं वहां से निकल चुका हूँ, निकल रहा था, निकल चुका हूँ। जो ड्राइवर थे उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि वो हर थोड़ी देर पे गाड़ी रोक के 15-20 मिनट के लिए गायब हो जाते थे। अब उन्हें लूज मोशन हुआ या कुछ और था ये मुझे पता नहीं, पर खुशी इस बात की थी कि मैं पहुंचने वाला। तो बस आज की स्टोरी यही थी। वीडियो अच्छी लगे तो LSS लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे तो अच्छा है, वैसे आपकी मर्जी। और जो कमेंट करते हैं तो फिर क्या कहना, अब मुझे जाना है प्रैक्टिकल सबमिट करना है। बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरी एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी तो मैं यहाँ से भी दे सकता हूँ। बाय।